किसान भाइयों नमस्कार। अक्टूबर के आसपास लगभग भारत के 30-40% खेतों में कटाई का काम शुरू हो जाता है। ऐसे में कुछ एक मुख्य बिंदु हैं जिन पर सभी का सबसे अधिक फोकस रहता है। मेरा खेत कितनी जल्दी कट जाएगा, मैं कितनी जल्दी अपना धान मंडी में ले जाऊंगा, और ये इस बात पे निर्भर करता है कि जो हार्वेस्टर आपके खेत में काम कर रहा है वो कितनी जल्दी से जल्दी काम कर सकता है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा खेत काटें और अधिक से अधिक सफाई और बिना तोड़े अनाज दे, यही हम सभी की अपेक्षा होती है। तो आइए ये जानते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके हार्वेस्टर में ये डिसाइड करते हैं कि ये हार्वेस्टर कितना बढ़िया और कितना तेज काम करेगा। ये कई पहलुओं पर निर्भर करता है। नंबर एक, हार्वेस्टर का कटर बार कितना बड़ा है। नंबर दो, हार्वेस्टर की दाने को थ्रेशिंग करने की क्षमता कितनी ज्यादा है। नंबर तीन, पुआल से अनाज निकालने की प्रक्रिया कैसी है और वो कितनी ज्यादा इफिशियंट है। नंबर चार, सफाई का कितनी ज्यादा एरिया है, कितना अधिक से अधिक साफ अनाज मिल सकता है। नंबर पांच, उसका ग्रेन टैंक कितना बड़ा है, क्या वो इतना बड़ा है कि कम से कम खेत में रुकना पड़े और जल्द से जल्द खेत कट के ट्रॉली में हम दाने को अनलोड कर पाए। और सबके बाद उसका इंजन कितना ताकतवर है, क्योंकि अक्टूबर महीने में हम SMS के साथ कटाई करते हैं। दूसरी बात ये है कि इंजन में फसलें नम होने के कारण ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो आइए ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा हार्वेस्टर है जिनमें ये सारी खूबियां हैं। तो भारत के कम से कम 10 प्रदेशों में जब हमने इस बात पर गौर किया कि कौन से हार्वेस्टर सबसे तेज काम कर पाते हैं, मतलब जल्द से जल्द खेत को खत्म कर देते हैं, उनमें हमने ये पाया कि एक हार्वेस्टर जो कि है न्यू हॉलैंड TC530, वो सर्वाधिक कार्यकुशल हार्वेस्टर पाया गया। 15 फीट का कटर बार, बड़ी थ्रेशिंग क्षमता, रोटरी सेपरेटर, 3 सीव और डबल कैस्केडिंग सिस्टम, 3000 लीटर का ग्रेन टैंक और इन सभी में भी सर्वोच्च क्षमता वाला इंजन 130 हॉर्स पावर। ये प्रदर्शित करता है कि इस मशीन के पास वो सभी गुण उपलब्ध हैं जिनके कारण एक हार्वेस्टर सर्वाधिक कार्यक्षमता वाला हार्वेस्टर बन जाता है। तो किसान भाइयों, कृपया अपने आसपास इस बात को गौर से देखें कि कौन सा हार्वेस्टर कितनी जल्दी काम करता है और कितनी सफाई से काम करता है। यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।